अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग बस कन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली थी। और कॉर्मू डेरिवेशन हमारे पास ई नॉट की जो एक्सप्रेशन आई थी वो थी ई नॉट इक्वल है माइनस सी डी सी अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। देन हमने यहाँ डेल्टा आई की एक्सप्रेशन निकाली थी विच इज ई डी सी डॉट एल्फा अपॉन एफ डॉट एल। उसके अलावा मैंने बताया था कि डेल्टा वी सी वी थी ड्राइव हो सकता है, बट इसकी डेरिवेशन यहाँ पर मैंने नहीं कराई है। बट ये एक्सप्रेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशंस याद रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। इससे पहले तक हमने बक बूस्ट कन्वर्टर में ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशंस अभी तक डिस्कस की हैं वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रही हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो सेज कंसीडर द बक बूस्ट कन्वर्टर, the input voltage for this converter is etc 14 volt, duty cycle provided 0.6, switching frequency is 25 kilohertz, inductance is 180 microhenry and filter capacitance is 220 microfarad, the average load current is 1.5 ampere। और find out हमें क्या करना है, first we have to find out E naught, then peak to peak output voltage ripple यानी delta VC, पीक टू पीक करंट ऑफ इंडक्टर डेल्टा आई और पीक करंट ऑफ डिवाइस यानी कि आई पी। तो अगर हम ई नॉट की बात करें तो हमारे पास ई नॉट की जो एक्सप्रेशन थी वो थी ई नॉट इक्वल टू डी सी अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो हमने यही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ की, ई नॉट इक्वल टू माइनस ई डी सी अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। देन टू फाइंड आउट पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज, हमारे पास डेल्टा वी सी की भी एक्सप्रेशन मौजूद है विच इज आई नॉट ई नॉट ओवर ई नॉट माइनस ई डी सी एफ डॉट सी। हमारे पास इनके इसकी दो एक्सप्रेशंस हैं, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है डेल्टा वी सी इक्वल टू आई नॉट अल्फा अपॉन एफ डॉट सी, तो एफ डॉट सी वाले ज़्यादा आसान है बिकॉज आई नॉट है हमारे पास, अल्फा भी है, उसके अलावा फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस भी प्रोवाइडेड है। तो डेल्टा वी सी हम यहाँ से पार्ट बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट सी के अंदर हमें बोला है चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट की जो एक्सप्रेशन थी वो थी ई डी सी अल्फा अपॉन एफ डॉट एल, तो ई डी सी अल्फा अपॉन एफ डॉट एल। तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन करंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि फाइंड आउट डिवाइस करंट। डिवाइस करंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा सोर्स करंट कितना है, और सोर्स करंट के एक्सप्रेशन हमने जो आउटपुट इक्वेशन आई थी उसी को यूज़ करते हुए निकाली थी, वो थी आई एस इक्वल टू एल्फा ओवर वन माइनस एल्फा आई नॉट। तो हम यही सोर्स करंट की यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जिससे हमें सोर्स करंट मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि जो सोर्स करंट होता है ये एक्चुअली एवरेज करंट होता है फॉर द ड्यूरेशन अल्फा टी, तो जब हम पीक टू पीक करंट की बात करेंगे तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह पहले भी हमने एक चीज़ की थी कि भाई जो भी हमारे पास करंट था उसका पीक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने उसमें क्या किया था कि हाफ ऑफ डेल्टा आई उसमें ऐड करा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर रेफर करा गया है पीक करंट ऑफ डिवाइस, तो पीक करंट ऑफ डिवाइस के लिए ज़रूरी है कि हम उसी वक्त का करंट लें जब डिवाइस ऑन हो, जब डिवाइस ऑफ है तब तो करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे आई पी के लिए हमने जो एक्सप्रेशन यूज़ की वो की आई एस अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा आई ओवर टू। आई एस प्लस डेल्टा आई ओवर टू हम पहले भी यूज़ कर रहे थे आई टू फाइंड आउट करने के लिए, बट यहाँ क्योंकि डिवाइस का करंट बोला हुआ है इस वजह से आई एस ओवर अल्फा यूज़ किया है, बिकॉज ड्यूटी साइकिल के ही टाइम पे वो डिवाइस ऑन होगी अदरवाइज वो डिवाइस ऑफ रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पीक करंट ऑफ डिवाइस भी फाइंड आउट हो गया है। देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है कुछ इस तरह से है कि अब बूस्ट कन्वर्टर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 24 वोल्ट बैटरी एंड सप्लाई एन एवरेज लोड करंट ऑफ 2 एम्पियर। अच्छा, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 किलोहर्ट्ज़। उसके अलावा बताया हुआ है कि वी कैन निगलेक्ट डायोड एंड स्विच ड्रॉप, यानी कि ड्यूरिंग कंडक्शन जो वोल्टेज ड्रॉप लिया जाता है डायोड या स्विच ने, वो हम यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन हैव आइडियल कंडीशन। अब फर्स्ट पार्ट में इसमें बोला है फाइंड आउट रेंज ऑफ ड्यूटी साइकिल वेरिएशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज एट 15 वोल्ट। रेंज ऑफ ड्यूटी साइकिल हमें चाहिए जिससे क्या हो, आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट पे मेंटेन रहे। अच्छा, उसके लिए मेंशन क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ हमें कि बैटरी वोल्टेज रेंज कर रहे हैं 26 वोल्ट ड्यूरिंग फुल चार्ज स्टेट टू 21 वोल्ट इन डिस्चार्ज स्टेट। इट मीन्स जब वो फुली चार्ज हो रही होगी तब मैक्सिमम वोल्टेज 26 जाएंगे और मिनिमम वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज जाएंगे 21। उसके अलावा सेकंड पार्ट में बोला है पीक टू पीक चौक रिपल करंट फॉर द नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज गिवन दैट चौक वैल्यू इज 500 माइक्रोन, यानी कि डेल्टा आई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है एवरेज सप्लाई करंट जो कि बैटरी से लिया जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी ड्यूटी साइकिल उस टू हैव एन आउटपुट वोल्टेज एट 15 वोल्ट। तो उसके लिए हमारे पास हमें पता है कि ईडीसी हमें पता है मैक्सिमम कितना आना चाहिए 26 वोल्ट और मिनिमम हमें पता है कितना आना है 21 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे ये दोनों कंडीशन देखें कि जब ईडीसी हम 26 वोल्ट रखें उस वक्त देख लेते हैं अल्फा कितना आ रहा है, ठीक है। इनके हमें रेंज बोला है, इट मीन रेंज का मतलब ये है कि कहाँ से कहाँ तक अल्फा वेरी होगा टू मेंटेन फिक्स वोल्टेज। तो हम यहाँ कहते हैं भाई ईडीसी हमें पता है ई नॉट हमने फिक्स रखना है 15 वोल्ट पे, तो वही एक्सप्रेशन यूज़ किए इसमें ई नॉट अपॉन ईडीसी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिया। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल गया 0.366। नेक्स्ट टाइम हमने ईडीसी को रखा 21 वोल्ट विच इज़ मिनिमम वैल्यू, और जो ई नॉट था वो कॉन्स्टेंट 15 वोल्ट ही रखना वो एज रखा, और अब हमने यहाँ पे अगेन ड्यूटी साइकिल निकाली। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आ गई कि ड्यूटी साइकिल जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 0.366 टू 0.4166। इस रेंज में हमें क्या होगा, हमें कॉन्स्टेंट 15 वोल्ट आउटपुट पे ईजिली अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट ए इसका इस तरह से कवर हो गया है, जिसमें हमने क्या किया रेंज ऑफ ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट उसमें हम अब देखते हैं कि पीक टू पीक चौक करंट किस तरह निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है सर्किट का वो है 24 वोल्ट, ठीक है। अब हमें एक्चुअली यहाँ पर डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई के लिए ज़रूरी है पहले हम अल्फा निकाल लें, क्योंकि जो डेल्टा आई की एक्सप्रेशन हमारे पास है यहाँ पे ईडीसी अल्फा अपॉन एफ डॉट एल, तो अल्फा हमारे पास होना ज़रूरी है, वो भी उस वक्त का जब नॉमिनल वोल्टेज हो। तो हमने यहाँ से अल्फा निकाला, 15 वोल्ट रखा और 24 रखा जो हमारे पास ईडीसी था सेट था और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। यहाँ से अल्फा आ गया, इस अल्फा को डेल्टा आई वाली एक्सप्रेशन में यूज़ किया हमने, तो इधर से हमें क्या हुआ पीक टू पीक रिपल करंट हमें मिल गया विच इज 369.6 मिली एम्पीयर। अब पार्ट सी के अंदर हमें बोला हुआ है एवरेज सप्लाई करंट फाइंड आउट करें जो कि बैटरी से ड्रॉन होगा अंडर नॉमिनल कंडीशन। अब हमें पहले ही बताया हुआ था कि स्विच और डिवाइस लॉसेज हमारे जीरो हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी पावर सप्लाई की जाएगी बैटरी से वही लोड के अक्रॉस पावर आनी है। इस कंडीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर के। तो इनपुट पावर पी इक्वल टू वी आई, यानी कि वी ए की अगर ए डी सी आ गया इंटू आई, आई आ गया सोर्स करंट, और ये बराबर हो गया ई नॉट 15 वोल्ट आई हो गए इंटू आई नॉट जो कि 2 एम्पेयर हमारे पास। तो इफ इस कंडीशन के यहाँ दिया हुआ एवरेज लोड करंट ऑफ 2 एम्पेयर, तो इसको यूज़ करते हुए हम इजीली क्या कर सकते हैं सप्लाई करंट फाइंड आउट कर सकते हैं आई एस फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हमारे पास आई एस की वैल्यू आ गई 1.25 एम्पीयर। तो ये हमारे पास बक बूस्ट कन्वर्टर की एक एग्जांपल थी।
अभी हमने इसकी दो एग्जांपल डिस्कस करी हैं और इसके अंदर हमने वही फॉर्मूलेस यूज़ किए हैं जो कि हम इससे पहले भी यूज़ कर रहे थे। अब हम एक और कन्वर्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कक कन्वर्टर। कक कन्वर्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली जो नाम है कक कन्वर्टर, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, एक इन्वेंट जो इसका इन्वेंटर है उसी के नाम पे एक कक कन्वर्टर है। अच्छा, कक कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर ये एक दूसरे के ड्यूल हैं, दूसरे के अपोजिट हैं। मीन्स काम वही है बट उल्टे तरीके से कह सकते हैं ये अपना काम कर रहे हैं। वो इस तरह से कि बक बूस्ट के अंदर हम चार्ज स्टोरेज के लिए इंडक्टर यूज़ कर रहे होते थे, बट जब हम बात करेंगे कक कन्वर्टर की तो यहाँ पे हम चार्ज स्टोरेज के लिए कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। वी स्टिल यूज इंडक्टर्स बट चार्ज होल्ड करने या चार्ज यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ हो रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास कक कन्वर्टर का जो आउटपुट आएगा वो इनपुट वोल्टेज के अपोजिट होगा, यानी कि साइन वाइज नेगेटिव में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी अगर बात कर लें इसकी सर्किट डायग्राम की तो कक कन्वर्टर को हम लोग कैपेसिटिव एनर्जी फ्लाईबैक कन्वर्टर का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो मॉस्फेट इंडक्टर डायोड कॉम्बिनेशन था वो अब रिप्लेस कर गया है डायोड कैपेसिटर और मॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से, यानी कि हमारे पास डायोड कैपेसिटर और मॉस्फेट, पहले यहाँ पे इंडक्टर आ रहा होता था, कैपेसिटर नहीं था। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो दो डायग्राम्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस पे इसका ऑपरेशन डिफाइन कर रही हैं। एक है स्विच ऑन कंडीशन में, जब स्विच ऑन होगा इट मीन स्विच ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, और दूसरी जो हमारे पास आ रही है डायग्राम वो रिप्रेजेंट कर रही है स्विच ऑफ कंडीशन को। तो ये हमारे पास दो इसकी कंडीशंस यहाँ से आ रही हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो इसके अंदर पहले हम स्विच ऑफ कंडीशन देखते हैं। जब ये स्विच ऑफ है, ट्रांजिस्टर ऑफ है या ओपन सर्किट होगा, जो भी सप्लाई होगी वो इंडक्टर से पास होती हुई हमारे पास कैपेसिटर की तरफ आ रही होगी। इस सिनेरियो में अगर हम वर्किंग देखेंगे तो हमारे पास होगा ये कि जब हमारे पास मॉस्फेट स्विच ऑफ होगा तो जो इंडक्टर करंट IL1 और IL2 हैं ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये दिस इज़ IL1 एंड दिस इज़ IL2, दे बोथ पासिस थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ इनको मिल रहा होगा। अच्छा, अब इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि IL1 के साथ सीरीज में कैपेसिटर आ रहा है, जब यहाँ से पास करेगा तो जो कैपेसिटर है ये भी क्या हो रहा होगा, एट द सेम टाइम चार्ज हो रहा होगा। और ये चार्ज हो रहा होगा क्योंकि पाथ जो देखा जाए तो ये क्या होगा, इसका इंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाथ बन रहा होगा, वो दिस इंडक्टर कैपेसिटर फ्रीव्हीलिंग डायोड वापस ETC, तो इसकी वजह से ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारे पास जो IL1 होगा इंडक्टर के अक्रॉस करंट वो कम होना स्टार्ट होगा, वो उस वक्त होगा जब हमारे पास ये जो VC1 है ये इतना चार्ज हो जाएगा कि इसकी वैल्यू EDC से ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न ये है, एक तो ये सप्लाई आ रही है, दूसरा इंडक्टर भी चार्ज होल्ड कर रहे, दोनों ही चार्ज जब इधर एडअप होंगे तो ऑब्वियस है कि वो वैल्यू EDC से तो एक्सीड कर ही आएगी। तो जब ये EDC से एक्सीड करेगी एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट है वो हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बात करें आउटपुट साइड की तो एट द सेम टाइम जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर IL2 में, अच्छा ये जो IL2 है ये आफ्टर फर्स्ट साइकिल इसमें एनर्जी होल्ड होना स्टार्ट होगी, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली इसी लूप के थ्रू, यानी कि एक लूप यहाँ से आ रहा होगा टुवर्ड्स फ्रीव्हीलिंग डायोड, दूसरा आपका यहाँ से आ रहा होगा टुवर्ड्स फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो ये इस लूप के थ्रू क्या करेगा, लोड को IL2 का जो करंट है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो IL2 है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो
प्रोसेस हो गया व्हेन द स्विच इज ऑफ। स्विच ऑफ में हमारे पास क्या हो रहा है, एक हमारे पास लूप इस तरफ से चल रहा है, दूसरा लूप हमारे पास इस एरिए से वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्विच ऑन कंडीशन की। जब हम बात करेंगे स्विच ऑन कंडीशन की, एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि जो ये ट्रांजिस्टर है, जब ये स्विच ऑन होगा तो इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। जैसे ही एक शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो जो भी IL1 और IL2 करंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट सर्किट के थ्रू क्या कर रहे होंगे, पास कर जाएंगे। अब क्योंकि VC1 क्या है, ग्रेटर देन है EDC, तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इवन ये भी क्या करेगा, ये भी इसी के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ये एक शॉर्ट पाथ मिल रहा होगा इसको, तो वो क्या करेगा, यही पाथ फॉलो करके डिस्चार्जिंग की तरफ जाएगा। बट अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो करेगा ये कि जब डिस्चार्जिंग के लिए इस डिवाइस से पास होगा तो ये एक्चुअली इस एरिया में, ये जो IC1 होगा ये एक्चुअली इस एरिया में क्या करेगा, रोटेट कर रहा, जिसकी वजह से होगा ये कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर L2 है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जब हम लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये होगा यही कि ये कैपेसिटर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ आएगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इस लोड से पास होता हुआ वापस इंडक्टर की तरफ, तो इसकी वजह से ये इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज होल्ड कर लेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि फर्स्ट साइकिल में इंडक्टर पे कुछ नहीं होगा, बट आफ्टर फर्स्ट साइकिल ये इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज होल्ड करेगा, और वही चार्जेस नेक्स्ट टाइम इस पाथ से टूवर्ड्स फ्री व्हीलिंग डायोड जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि IL1 की अगर हम बात करें तो वो भी एट द सेम टाइम क्या हो रहा होगा, इसी पॉइंट की अगर हम बात करें, इस लूप की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई इसको मिल रही होगी शॉर्ट पाथ के साथ, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, करंट इंक्रीज कर रहा होगा। बिकॉज ये डिस्चार्ज जो है इस एरिया से हो रहा है, इधर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो EDC क्या करेगा, इंडक्टर को एट द सेम टाइम चार्ज कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, IL1 जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी कि टी ऑन की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडक्टर का जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टी ऑन जो IL1 होगा, यहाँ जो करंट होगा इंक्रीज करेगा फ्रॉम IL11 टू IL12, बिकॉज सप्लाई कंटिन्यूसली उसको क्या करेगी, इंडक्टर को चार्ज कर रही है। इसी बात को थ्रू एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो हमारे पास टी ऑन के टाइम EDC बराबर होगा L1, क्योंकि L1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडक्टर 1 है, और फिर Δi/dt, Di/dt था, Di की जगह आगे Δi, ओके हो गया IL12 - IL11, और DT की जगह टी ऑन। तो इस तरह से हमारे पास EDC की एक एक्सप्रेशन आ गई, EDC बराबर हो गया L1 Δi/t on। अब यहाँ से हम टी ऑन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टी ऑन की वैल्यू हमारे पास आ गई Δi1.L1/EDC, बिकॉज यहाँ टी ऑन आ रहा था, टी ऑन को इधर ले आते हैं, EDC इधर आ जाएगा, तो ये टी ऑन की एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब अगर हम बात करें टी ऑफ की, यानी कि ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, तो ऑफ टाइम में हमने देखा था कि ये जो इंडक्टर था ये डिस्चार्ज हो रहा था इस कैपेसिटर के थ्रू फ्रॉम दिस पाथ, तो इस वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि इंडक्टर का जो करंट है वो ड्रॉप करेगा फ्रॉम IL12 to IL11, तो जिसकी वजह से अब अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगी, EDC - VC1 एक्चुअली बराबर होगा -L1 Δi/t off, क्योंकि VC1 हमारे पास ज़्यादा आ रहा था इससे पहले भी, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, EDC - VC1 - L1 Δi/t off की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इधर इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू फॉर टी ऑफ, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ तक कवर हो गया। VC की अगर हम बात करते हैं तो VC एक्चुअली है एवरेज वैल्यू ऑफ
कैपेसिटर वी सी वन है तो कैपेसिटर सी वन की बात होगी। अच्छा अब हमें यहाँ पता है कि डेल्टा आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एल वन टू माइनस डेल्टा एल वन आई एल वन वन। तो अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इक्वेशन टी ऑफ की इक्वेशन और टी ऑन की इक्वेशन दोनों में डेल्टा आई वन आ रहा है। तो अगर मैं दोनों में अगर डेल्टा आई वन एक तरफ लेके इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। एल वन और एल वन कैंसिल आउट हो जाएंगे देन हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एट दी एंड हमारे पास यहाँ पे वी सी वन की एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी विच इज़ ई डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास अभी तक हमने सिर्फ वी सी वन की एक्सप्रेशन निकाली है जो कि आ रही है ई डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने एक बात बोली थी कि इस का कन्वर्टर के अंदर जो चार्ज स्टोरेज डिवाइस है वो इंडक्टर नहीं है कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो स्टोर हो रहा होगा वो किस रेट पे होगा वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। रही बात का कन्वर्टर की, अगर हम बात करें वेवफॉर्म्स की तो ये हमारे पास हमें पता है जब हमारे पास ऑफ टाइम है उस टाइम पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा होगा, ऑन टाइम की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज कोई ना कोई सोर्स वोल्टेज आ रहा होगा। ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वी सी वन को, यहाँ दिस इज ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ टाइम। देन जब ऑन होगा हमारे पास चार्जिंग हो रही होगी और पता है हमें आई एल वन वन से चार्जिंग होगी आई एल वन टू तक, तो ये पॉइंट इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इंडक्टर वन के रेफरेंस से आ रही है कंडीशन और ये वाली हमारे पास इंडक्टर टू के रेफरेंस से आ रही है। यहाँ देख सकते हैं दिस इज फॉर सोर्स करंट एंड दिस इज फॉर सेकेंड इंडक्टर करंट। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म्स आ रही हैं फॉर कक कन्वर्टर, जिसके अंदर हमारे पास ये आई सी टू की वेवफॉर्म आ रही है। आई सी टू भी इनिशियली ऑन है उस वक्त क्या होगा चार्जिंग की तरफ जाएगा, ऑफ होगा तो ये डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहा होगा। तो यही पार्ट यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक लिमिट रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी इक्वेशन को इसी डेरिवेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम अभी तक हमने देखा कि जो एक साइड यानी कि इंडक्टर वन के हिसाब से आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जब जो सेकंड इंडक्टर है उसका क्या इंपैक्ट होगा ड्यूरिंग टी ऑन एंड टी ऑफ वो ड्राइव करेंगे। थैंक यू।